दोस्तों 1904 के अराउंड बहुत से इंडियंस नॉर्थ अमेरिका माइग्रेट करना शुरू करते हैं, स्पेशली कनाडा के वैनकूवर में। और ये माइग्रेशन मोस्टली पंजाब की सिख कम्युनिटी से था, बट कनाडा पहुंचते ही वहां इंडियंस को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तारकनाथ दास और जीडी कुमार अपना टारगेट बनाते हैं भारत की आजादी का। इसके बाद दोनों दो वीकली स्टार्ट करते हैं, स्वदेश सेवक और फ्री हिंदुस्तान, जिसमें कनाडा में हो रहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया जाता है। पर 1910 तक कनाडा सरकार को इंडियंस की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का पता चल जाता है, जिसके बाद तारकनाथ दास और जीडी कुमार को कनाडा से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद ये दोनों यूएस के सिएटल में शिफ्ट हो जाते हैं। 1911 में लाला हरदयाल सिंह भी यूएस आ जाते हैं और वो 1912 में फॉर्म करते हैं पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, जो बाद में गदर पार्टी बनी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक वीकली पब्लिश किया गदर, और गदर पार्टी का हेडक्वार्टर बनाया गया सैन फ्रांसिस्को में, जिसको युगांतर आश्रम बोला गया, जिसके साथ गदर मूवमेंट की शुरुआत होती है। अब गदर वीकली में ब्रिटिशर्स की हाउस पॉलिसीज के बारे में बताया जाता था, प्लस इंडियन लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बताया जाता था। पर 1916 में ब्रिटिशर्स काफी ब्रूटल एक्शन से गदर पार्टी के मेजर लीडर्स को अरेस्ट कर लेते हैं और 1916 तक ये मूवमेंट सप्रेस कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स।